मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताया शोक। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस रावत के निधन पर जताया गया शोक। अन्य अधिकारियों की आकस्मिक मृत्यु पर जताया शोक। अधिकारियों के निधन को बताया अपूर्णीय क्षति। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताया शोक। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस रावत के निधन पर जताया शोक। अन्य अधिकारियों की आकस्मिक मृत्यु पर जताया दुख। अधिकारियों के निधन को बताया अपूर्णीय क्षति। धामी ने जताया शोक। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस रावत के निधन पर जताया शोक। अन्य अधिकारियों की आकस्मिक मृत्यु पर जताया शोक। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, संयुक्त किसान मोर्चा की होगी बैठक। दोपहर 12 बजे होगी संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग। बैठक में आंदोलन वापस लेने की हो सकती है घोषणा। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, संयुक्त किसान मोर्चा की होगी बैठक। दोपहर 12 बजे होगी संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग। बैठक में आंदोलन वापस लेने की हो सकती है घोषणा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से, इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ में होगा होम लोन मेले का आयोजन। एलडीए में अब एनटीओ के लिए होगा मेले का आयोजन। मेले में लोन की सुविधा कराई जाएगी उपलब्ध। एलडीए के अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। लखनऊ में होगा होम लोन मेले का आयोजन। एलडीए में आवंटियों के लिए होगा मेले का आयोजन। मेले में लोन की सुविधा कराई जाएगी उपलब्ध। एलडीए के अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, यूपी माध्यमिक शिक्षा संघ करेगा प्रदर्शन। शिक्षा निर्देशालय पर होगा धरना प्रदर्शन। प्रदर्शन के जरिए शिक्षक उठाएंगे अपनी आवाज। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, यूपी माध्यमिक शिक्षा संघ करेगा प्रदर्शन। शिक्षा निर्देशालय पर होगा धरना प्रदर्शन। प्रदर्शन के जरिए शिक्षक उठाएंगे अपनी आवाज। सीतापुर दौरे पर जाएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। महमूदाबाद में परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। जवाहरलाल नेहरू पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगा कार्यक्रम। पार्टी पदाधिकारियों के साथ संवाद करेंगे डिप्टी सीएम। सीतापुर दौरे पर जाएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। महबूबाबाद में परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। जवाहरलाल नेहरू पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगा कार्यक्रम। पार्टी पदाधिकारियों के साथ संवाद करेंगे डिप्टी सीएम।